एक न एक खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला, और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। हसीना जो करती है चोरी, जी हाँ, किसी का दिल नहीं सिर्फ कीमती मोबाइल, वो भी अपने नशे के लिए। क्या कहते हैं लोग इस बेनकाब हसीना के बारे में, आइए लिए चलते हैं आपको। जाने से पहले किस तरह देती है चोरी को अंजाम, कैसे घुसती है घरों में ये हसीना जब सुबह सवेरे निकलती है नए घर की तलाश में, जब होती है सुनसान राहें। क्या कहते हैं लोग जब पकड़ी जाती है ये हसीना, देखें पूरी न्यूज़। ये जो एक लेडीज़ मोबाइल चोर पकड़ी गई है जी, तो आप बता रहे हैं कि मैं ही मौजूद था, उसके बारे में बताएं पहले अपना वो दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्ताक है, चबल पार्क में रहता हूँ जी। नमाज पढ़ के यहाँ के तस्वीर पढ़ रहा था मस्जिद के सामने जी, जब वो लेडीज इधर से गई जी, तो दो तीन औरतों ने उसको पहचान लिया। अच्छा, जो तीन चार दिन पहले मोबाइल चोरी करे थे उसने, उसको पकड़ के लाई। पकड़ के लाने के बाद में यहाँ बिठा लिया उसने कि पुलिस को बुला रहे हैं। वो कहने लगे पुलिस को बुला लो, मेरा क्या करेगी। सारे हाथ पैर उसके कटे हुए हैं, ब्लेड लगे हुए हैं उसके, टैटू बने हुए हैं उसके, वजूद उसका एक मुट्ठी का नहीं है, समझे जी। औरत ने कहा बड़ी हराम जा दी है तू, तो उन्होंने कहा मेरी सलवार खोल दी, देखी तुमने, समझे। उसके बाद जो है काफ़ी देर जिद्दोजहद होती रही, कम से कम दो घंटे यहाँ काफ़ी आदमी इकट्ठे हो गए। उसके बाद पुलिस आ गई, विपिन नाम का एक कॉन्स्टेबल था, एक लेडीज थी उसके साथ, वो ले गई उसको। अच्छा, कुछ बताया उसने कितने मोबाइल उठाए मैंने? उसने कम से कम 15 मोबाइल बताए यहाँ के, चबल पारा किंदरा बिहार के, यहाँ के 15 मोबाइल बताए उसने थाने में। इस तुम्हारे मोहल्ले से क्या लगी? हमारे मोहल्ले से करीब 2-3-5 मोबाइल हैं उसके। 5 मोबाइल जी, और ऐसा जिसकी कीमत 10-15 हज़ार रुपये मोबाइल है, एक मोबाइल, एक मोबाइल। अच्छा, उसके बारे में कुछ और जानकारी नहीं मिली? बस उसके बारे में ये जानकारी है जी, बीड़ी बीतती है वो। अच्छा, वो चर्च की। अच्छा, ये जानकारी तो हमें है, उसके बाद थाने में चले गए, उसके बाद कोई हमें। अच्छा, ऐसी महिला को क्या मान के चल रहे हो आप? देखो जी, ऐसी महिलाओं को तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई ना दीन है ना मज़हब है, ना उनका कुछ घर का स्थिति ठीक है, ना उनका समाज ठीक है, वो यही मान के चलते हैं हम तो। उसके बारे में पता चला उसका शौहर भी जेल में है? हाँ, उसके बारे में ये पता लगा कि उसका शौहर जेल में पहले ही है, चोरी में, डकैती में, पता नहीं किसकी चीज़ में, इस महक में, वो उसमें। और ये भी यही काम करती है? हाँ, ये भी मोबाइल चुरा ले करती है इसमें। हाँ, पुलिस तो ले गई थी उसको? पुलिस ले गई थी, लेडीज पुलिस थी साथ में, और वो था कांस्टेबल। हाँ, बताया था आपने भी। जी जी जी। तो आप अपने जो सुनने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि चौकस रहें? देखो जी, सुनने वालों से ये है कि अगर कोई मांगने भी आता है तो उसको दूर से ही 2 रुपये दे देगा, तुम्हारी जेब में है, घर में ला घुसा, वो देखते हैं गेट खुला हुआ है नहीं है, और गेट खुला हुआ है तो किसी का मोबाइल उठाया और उस उठा के चल गया। वो कह ली 2500 रुपये के 2 मोबाइल भेजे मैंने, 2500 रुपये की जितनी कीमत 25,000 रुपये की है जी। अब बताओ 25,000 में 2500 की क्या कीमत है? बहुत। तो वो तो जो है ना, उनको खरीदने वाले ही कमा रहे हैं पैसे, जो भी खरीदते हो ना वो भी उसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हुए। तू नीचे से लेके गई थी ना, नीचे से लेके गई है ना, चलते हुए तो तूने दिए नहीं है फोन? चलते में दिए भाई मैंने, चलते में नहीं दिए। नहीं, एक बात बता, मोबाइल तू? चलते में दिए मैंने। चलते में कौन ले लगा, पागल है भाई? कोई जाएगा क्या? चलते में कोई नहीं लेगा, चलते में कोई नहीं लेगा फोन। बता, नहीं लेता, नहीं लेता। अब फोन ही ऑन नहीं होते बिना लॉक टूटे, बिना लॉक टूटे ऑन नहीं होना, इसलिए कोई खरीदेगा ही नहीं। बिना लॉक टूटे फोन ऑन नहीं होगा तो कैसे चलते में ले लेंगे? हम बेवकूफ दिख रहे हैं? सी लिख रही है, कोई हमें देना चाहे सस्ते में फोन, हम लेंगे नहीं, हमें पता उसका लॉक नहीं टूटेगा। बता दे कि तूने फोन दिए किसे जब तू ये छोड़ेंगे, खुद मंगवा लेना फोन, वरना आप तू वैसे भी बंद हो। कौन खुद देता नहीं? देता नहीं, घर बसा लेते।
शादी हुई हुई है इसकी तो फिर तू नशा करेगी उल्टे काम करेगी। 13 तारीख को लेके गई जी मोबाइल, 13 तारीख की बात है वो जो तू करी लॉकडाउन से पहले की बात है, 13 तारीख की बात है ये FIR हुई थी। 12 दिन हुए भी, दही दिन है छोड़ना ऐसे क्या दिखा रहा है, ऐसे नहीं दिखा रहा पढ़े लिखे 12 दिन हुए करे 1 महीना हो गया बेवकूफ समझ गई है। बता दे बता दे तो भी ऐसे छोड़ दे पुलिस को भी लेके तो यही समझा रहे हैं यही तो कौम की यही तो बात है मुसलमान हो गए शिवबिहार में होती है हिंदू के घर में होती तो अब तक तो तुझे पता नहीं कहाँ भेजते हैं हिंदू वो होते हैं शिवबिहार में होते हैं फेसबुक पर डाल देते हैं देर में डाल ही देते ऐसे ऐसे ये है फलाना है मुल्क है ये है। चलो पुलिस वाले आने वाले हैं भीड़ मत करो ऐसे ऐसे ये बच रही है यहाँ मुसलमान उसमें बीच में बच रही है जो तर्स भी आ रहा है अगर कोई हिंदू होता तो खेच देता अब तक पता नहीं कितने खेच देते वहाँ शर्म नहीं करते आदमी आगे समझ में ना ये तो बहुत मार रहा है इस एरिया में बैठ गया है जो मुसलमान है इनके दिल के अंदर रहम है सब रोजे सहम बोलते बोलते रहेंगे इसमें इसके अंदर रहेंगे।